सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। धर्म प्रिय बंधु, भक्तजन, साधक जन, अत्यंत श्रद्धा पूर्वक इस माँ जगजन्य जगत माता के दरबार में आकर के इस माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने परिवार के लिए, परिवार के सुख समृद्धि के लिए, अपने अभ्युदय के लिए, अपनी उन्नति के लिए इस जगजन्य जगत माता से करवत प्रार्थना करते हैं कि देवी प्रसन्न होइए और प्रसन्नता पूर्वक हम भक्तों का आशीर्वाद दीजिए। हे माँ, आपकी पूजा में, आपकी आराधना में, आपकी अर्चना में किसी प्रकार से भी हम सके त्रुटि हुई हो, कोई भूल हुई हो, किसी प्रकार से कोई जीवन में जानने जानने में हम सके अपराध हुआ हो, कोई पाप हुआ हो, तो माँ भगवती हम भक्तों का क्षमा करना और हम भक्तों का मार्गदर्शन करना, हमें सद्बुद्धि सद्ज्ञान देना, सर्वदा हम पर अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपने चरणों की अविचल भक्ति प्रदान करना, सर्वदा हम पर अपनी कृपा बनाए रखना। क्योंकि इस माँ जगजन्य जगत माता की जिनका जिन पर कृपा हो जाती है, वह जो भी मन में चिंतन करते हैं देवी की कृपा से उन भक्तों के समस्त मनोबल सिद्ध कामना जो है वह पूर्ण होती है, उनके कार्य सिद्ध होते हैं, उनके कष्ट उनके दुख जो है वह दूर होते हैं और जीवन में जो है सर्वत्र उन भक्तों का मंगल मंगल होता है जिन पर ये देवी की कृपा बनी रहती है। और जिन पर जब विमुख हो जाती है, मुंह फेर लेती है, विमुख हो जाती है, तो न जाने जी भगवती फिर तुझे सर्वनाश कर डालती। इसलिए कहा है कि कभी भी भक्ति खूब करें, परंतु भक्ति से ही जो है सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। जब सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है, चाहे वह धन शक्ति है, ज्ञान शक्ति है, शारीरिक शक्ति है, अन्य शक्ति जो है, उनसे जब वह व्यक्ति संपन्न होता है, तो भूल करके भी कभी अभिमान जो है नहीं करना चाहिए। अभिमान जो है यही जो वास्तव में विनाश का कारण होता है। इस समय वसंती नवरात्र चल रही है, वसंती नवरात्र का जो है आज सठा नवरात्र जो है, सठा स्वरूप जो है माँ भगवती कात्यायनी देवी का है। सर्वस्वरूपे सर्वेशि सर्वशक्ति समन्विते देवेश्वराहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। जे सर्वस्वरूप सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी, सब भयों से आप हमारी रक्षा करें। आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। एतत्ते भजनम सौम्यम लोचन त्रय भूषितम पातुना सर्वभीति व्यः कात्यायनी नमस्ते। हे माँ कात्यायनी, तीन लोचनों से, तीन नेत्रों से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख जो है सब प्रकार के भयों से हमारी रक्षा करें। आपके चरणों में हम सब भक्तों का भक्ति भाव से नमस्कार है। जे कात्यायनी देवी जो है, इसके चार हाथ हैं, सिंह पर जो विराजमान है, एक हाथ इनका वर मुद्रा में है, एक अभय मुद्रा में है, एक हाथ में जो खड़ग तलवार लिए हुए हैं, एक हाथ में कमल पुष्प है। ऐसे इनका सौम्य स्वरूप जो है, जो भक्तों की समस्त मनोकामना को पूर्ण करने वाला है, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है, और जो भी भक्तों की मनोलक्षित कामना होती है, वह देवी की कृपा से, कात्यायनी देवी की कृपा से उनकी सब मनोकामना पूर्ण होती है। आज के दिन जो है भक्त जन जिस कात्यायनी के स्वरूप का ध्यान करते हुए अपने मन को आज्ञा चक्र में स्थित करते हैं और इस रूप का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना करते हैं कि भगवती सर्वदा हम पर कृपा बनाए रखे। इस भगवती की पूजा जो है ये सद्य फलदायी है और सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। कालंदी जमुना तट के किनारे गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसी भगवती की साधना की थी। एक और जी ऐसा दृष्टांत मिलता है कि रावण ने इसी भगवती की आराधना की थी, माँ जगदम्बा की, माँ को प्रसन्न किया था
और मानव से वरदान दिया था, मैं तेरी रक्षा करूंगी, तेरी लंका में निवास करूंगी। भगवान शिव और भगवती जगदम्बा दोनों को इन्होंने जो है खूब भक्ति करके प्रसन्न किया था और सब प्रकार की उन्होंने सिद्धि जो थी वह प्राप्त कर ली थी। ऐसे में रावण जो है बड़ा विद्वान था, चारों वेदों का ज्ञाता था, ब्राह्मण था, परंतु कहते हैं जब शक्ति संपन्न होता है और बिना परिश्रम की संपत्ति मिल जाती है तो बुद्धि खराब होती है। जिस समय मां पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि अच्छा भवन बनाइए, कुबेर ने उनसे कहा कि आप कहें, भगवान शिव से कहें, तो भगवान पार्वती भी कहने लगी ठीक है मैं प्रार्थना करती हूं। भगवान शिव से कहा कि हम ऐसे रहते हैं, कहीं कोई घर नहीं है, कुछ ना कुछ होना चाहिए, वैकुंठ लोक में भगवान विष्णु के बाद देखिए माँ लक्ष्मी जो है उनका सब कुछ कैसी व्यवस्था है, हमारे पास कुछ भी नहीं, सब कुछ होते हुए सबको आप देते हैं परंतु अपने लिए कुछ नहीं, रहने का ठिकाना भी नहीं। तो कुबेर जी कह रहे हैं कि यदि भगवान शिव आज्ञा दें तो मैं एक भव्य भवन जो है आपके लिए उसका निर्माण करूं। तो भगवान शिव ने कहा कि ठीक है, तो उस भवन का निर्माण हुआ, सोने की लंका जो बनी, इतना भव्य भवन जो है। तब जो है भगवान शिव और पार्वती वहां गए तो भगवान शिव कहने लगा देखो पार्वती, गृह प्रवेश जब करना होते ही गृह प्रवेश के समय जो है किसी विद्वान पंडित से पहले पूजा करवानी चाहिए। तब जो है कहते कि उस समय भगवान शिव ने सर्वत्र देखा कि इस समय इस सृष्टि पर कौन विद्वान है, तो रावण से अधिक विद्वान नहीं था उस समय, कर्मकांड का ज्ञाता महाविद्वान जो है। तब रावण को बुलाया गया गृह प्रवेश के लिए। तब जो है आप दक्षिणा के लिए भगवान शिव ने कहा आपने जो सब करवाया है और जो पूजा पाठ करवाया है तो दक्षिणा मिला जो है जो सब कर्म सफल होते नहीं। तब जो है रावण ने कहा देखो दक्षिणा देना चाहते हो ना, जो भवन दक्षिणा में दे दो। तो भगवान शिव ने एक सेकंड भी नहीं लगाया, तत्क्षण जो है संकल्प करके उसमें प्रवेश किया ही नहीं, रावण को दे दिया। कहते कि जिस समय रावण का राज्याभिषेक हुआ, बड़े बड़े संत महात्मा जब स्वयं इतने विद्वान थे, संत महात्मा वहां पर आए इनका उराज तिल करने के लिए बैठे हुए थे, तब सबने विचार किया कि कौन ऋषि जो है इनको ये राज तिल जो है वे देगा करेगा, इनका राज्याभिषेक होगा। तब जो है कुकुर नाम के एक ऋषि थे, बड़े विद्वान, बड़े माने हुए, त्रिकालज्ञ, तीनों लोकों की बातों को जानने वाले, सब ने मिलकर के जो है उससे कहा महाराज आप जो है इनको राजतिलक दीजिए, इनका राज्याभिषेक कीजिए, इस समय आप ही एक योग्य ऋषि हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं, सबके अग्रगण्य हैं, आप जो हैं जिस सब जो कार्य संपन्न करें। तो उस कुक्कड़ मुड़ी ने जो है कहा कि मैं इसको राजतिलक नहीं दूंगा, इसमें राजोचित गुण जो है वह नहीं है, इसलिए मैं ऐसे जो है ये राजतिलक जो है नहीं दे सकता, इनकार कर दिया। तब जो है रावण को बुरा लगा। उसके बाद जो है बुंजू नाम का ऋषि जो था फिर उससे कहा गया, तो उसने उसे राजतिलक दिया, राज्याभिषेक हुआ, सब चले गए अपने अपने गंतव्य स्थान पर जो है। उसके उपरांत जो है अब रावण ने खूब विस्तार किया अपने राज्य का, बड़े बड़े भवन जो है उनका निर्माण किया, बड़े बड़े वैज्ञानिक वेद्य जो थे, जो कि सिर कटा हुआ हो वह भी जोड़ देते थे, ऐसे वेद्य थे उसके पास, ऐसे वैज्ञानिक थे जो चंद्र लोग में यात्रा करते थे, खूब विस्तार किया अपने राष्ट्र का जो था। एक दिन उन्होंने जब खूब विस्तार कर लिया तब जो था रावण ने कुक्कड़ ऋषि को निमंत्रण दिया कि आप मेरे राष्ट्र में आए और राष्ट्र देखें, जब भी कोई बड़ा व्यक्ति कोई आता है तो उसको सब वहां का दिखाया जाता है कि जहां पर जे जे निर्माण हुए हैं, जे जो हमने जो सब किया है राष्ट्र के लिए।
दब जो था, कुक्कट मुनि ने जो है उनके निवेदन को, उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और लंका में आए। तब रावण उनके साथ चलता हुआ पूरी लंका में जो है उन्हें घुमाया, और सभी बड़े बड़े भवन जो आकाश भी थे, इतने बड़े बड़े भवन जो थे उनका निर्माण हुआ है, ऐसे सोने की लंका अद्भुत और ज्यादा विस्तार उन्होंने किया था। अनुसंधान शालाएं जो है वहां पर थी, बड़े बड़े वैज्ञानिक जो है, और ऐसा उन्होंने निर्माण किया था सारा दिखाने के उपरांत जो है, तब ऋषि वापस आए, तब उन्हें पूछा, महाराज कैसा लगा मेरा जो राष्ट्र, जो जो मैंने इतना जो सब जो है राष्ट्र का जो निर्माण करने में जो मैं आगे बढ़ा हूं, इतनी उन्नति की है, आपको कैसा लगा? तब जो है ऋषि ने प्रसन्न होकर कहा कि रावण आपने जो कुछ किया है, बड़े बड़ी शालाओं का जो है जो निर्माण किया हुआ है, आपके वैज्ञानिक जो है इतने आगे पहुंचे हुए हैं जो चंद्रलोक में भी जो भ्रमण करते हैं जाकर के, आपके वेद जो है इतने ज्ञानवान हैं जो कटे हुए अंग जो जोड़ देते हैं, आपने बहुत बड़ी तरक्की की है अपने राष्ट्र की, बड़ी प्रशंसा की रावण की। प्रशंसा करने के उपरांत जो है जब ऋषि चुप हुए शांत हुए तो ये रावण ने कहा, मुझे ये बतलाइए कि उस समय आपने मुझे राज तिलक देने से क्यों इनकार किया था? आप कह रहे थे मेरे में राजोचित गुण नहीं है, क्यों? आपकी भविष्यवाणी जो थी ये सारी की सारी गलत सिद्ध हुई है, क्यों कहा मुझे आपने ऐसा? ऋषि ने कहा कि रावण मैंने जो कुछ कहा था वह ठीक ही कहा था, आपकी लंका में सब भवन मैंने देखे हैं, सब प्रकार की शालाएं जो हैं मैं भी देखी हैं, अनुसंधान शालाएं जो हैं एक से एक बढ़कर जो है, परंतु पूरा राष्ट्र आपके घूमने के प्रांत जो है मुझे कहीं भी आपके राष्ट्र में कहीं चरित्रशाला नहीं मिली, और यदि आपके राष्ट्र में चरित्रशाला है तो मुझे बताइए। रावण चुप हो गया कि आपने अपने राष्ट्र के जो लोग जो थे उनका चरित्र निर्माण, क्योंकि ठीक है व्यक्ति तरक्की करता है परंतु उसके साथ साथ उसका चरित्र भी ऊंचा होना चाहिए। रावण तेरे राष्ट्र में कहीं जो है चरित्रशाला नहीं है, और मैं भविष्यवाणी करता हूं, बताता हूं आपको कि एक दिन ऐसा आएगा तेरे राष्ट्र में एक चरित्रवान व्यक्ति आएगा और तेरे पूरे राष्ट्र का सर्वनाश कर देगा। बोले सच्चे दरबार की जय। ऐसे जी रावण जिन्होंने भगवती को प्रसन्न किया था, कात्यायनी देवी की पूजा की थी, माँ को प्रसन्न किया, माँ ने वरदान दिया था मैं आपकी रक्षा के लिए लंका में निवास करूंगी, तो इसका नाम वहां लंकेश्वर के रूप में वहां भगवती निवास करती थी। भगवान शिव ने भी इन्हें वरदान दिया था। तब भगवान श्री राम जो है जिस समय उन्हें रावण का वध करने के लिए जाना था, तब पहले भगवती यज्ञ किया था, माँ को प्रसन्न किया था, और माँ ने अष्टमी के दिन अर्धरात्रि को लक्ष्मण और जो है राम को साक्षात दर्शन दिए थे। तब भगवान श्री राम ने कहा था कि माँ जब रावण की रक्षा के लिए आपने उसे वरदान दिए है और लंका में निवास कर रही है, तो रावण का वध कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता। माँ ने कहा देखो जो उसने भक्ति की, जो साधना की, मुझे प्रसन्न किया, भगवान शिव को प्रसन्न किया, उसका फल उसको मिल चुका है। अब वह शक्ति संपन्न होकर के उस शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, अब समय आ गया है उसका, उसका भी फल मिलेगा, अच्छे कर्म का फल भी मिलता है, बुरे का भी मिलता है। इसलिए जिस समय हनुमान जो है लंका में प्रवेश करेंगे उस समय लंका का परित्याग करके चले जाऊंगे। तो भगवान शिव जो है, हनुमान जो थे ये शिव का ही अवतार थे। शिव भी जी उन्होंने भी कहा कि देखो मेरा भक्त है, मेरी भक्ति की है, मैं अपने शिष्य को तो मार नहीं सकता, लेकिन आपकी सहायता जरूर करूंगा। तो जिस समय हनुमान माता सीता की खोज करने के लिए लंका में गए, वहां पर जाकर के जो है सीता माता से भेंट हुई, वहां सामने अशोक वाटिका थी, बड़े सुंदर सुंदर फल लगे थे, इच्छा हुई
को फल खा लो। भूख लगी थी तब सीता माता से कहा कि माँ भूख लगी है, मैं फल खा लूं। तो माँ ने कहा जहां बड़े राक्षस हैं रावण के, भगनी आपको मारेंगे, कोई बात नहीं, उसकी चिंता नहीं है। हनुमान जी गए, रात्रि का समय था। अब जब वृक्ष रात्रि को सोए होते हैं तो फल तोड़ना वर्जित है, तो वृक्षों को हिला ला के जो है उसने जो है यह फल जो थे वह जगाया उन वृक्षों को, फिर फल तोड़ के खाए, कुछ वृक्ष जो थे वह टूट गए। जब रावण के अनुचरों को जब पता चला जो वहां रक्षक खड़े थे, तो उन्होंने उसे मारना शुरू किया, जिन्होंने उसको मारना शुरू किया तो जो है हनुमान ने भी उनको मारा, कोई भी उसको पराजित नहीं कर पाया। तब कहते इंद्रजीत स्वामी आए और आकर के हनुमान को बांधने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना पड़ा, और ब्रह्मास्त्र का उन्होंने सम्मान करते स्वयं बंध गए थे, नहीं तो हनुमान को कोई बांध नहीं सकता था। ऐसे हनुमान जी जब रावण के पास ले गए तो वहां पर जो है आप देखिए जिसका वधे है उन्नति है सब कुछ है। व्यक्ति को मैं पहले पहले प्रारंभ में कहा कि कभी जो है अहंकार नहीं करना चाहिए, अहंकार विनाश का कारण होते हैं। अब यह परिस्थिति शुरू होगी, हनुमान का प्रवेश हो गया लंका में, तब जो है रावण के सामने खड़ा किया गया कि आपने ऐसा उदंडता की है, अपराध किया है, आपको दंड दिया जाएगा। सबने समझाया, अंत में जो है रावण ने कहा कि ऐसा है हनुमान को अपनी पूछ बड़ी प्रिय होती है, सभी जो है कपड़ा लेकर के इसकी पूछ में बांध करके घी लगाई है, फिर आग लगा दीजिए। तब जो है कपड़ा बांधने लगे, घी लगाने लगे, और हनुमान जी ने पूछ अपनी बढ़ा दी, इतनी बढ़ गई तो रावण से कहा जाकर हमारा कपड़ा भी खत्म हुआ, घी भी खत्म हो गया। तब उसने कहा प्रत्येक घर घर जाकर के सभी जो है कपड़ा भी लाएं और तेल लाएं। फिर कहते पूरी लंका में एक ही घर था जहां से ना कपड़ा आया ना घी आया ना तेल आया, वो था विभीषण का घर। तब जो है प्रत्येक घर जो है उसको जो पूरी लंका में घुमाया गया, हनुमान जी हनुमान भी देख रहे किस किस घर से कपड़ा आ रहा है, तेल आ रहा है, घी आ रहा है, और मुझे मेरी पूंछ को जो जलाएंगे। हर एक घर को मैं देख रहा था और लंका को तो मैं देखना चाहता था, जे तो उसकी सारी लीला थी। आग लगा देगी, हनुमान जी की पूंछ को आग लगा दी और हनुमान जी ने पूरी लंका को आग लगा दी। ऐसी उस समय त्रेता युग में हनुमान जी ने जी वहां पर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की थी कि पूरी लंका को जलाया, सारे दुर्गम नष्ट कर दिए और अंत में अपना बाल भी भंका नहीं हुआ, पूंछ बिल्कुल सुरक्षित, और वापस आकर के सारा जो है हाल जो था वहां लंका का बता दिया। बोलो सच्चे दरबार की जय। इसलिए भक्ति से सब प्रकार की शक्ति मिलती है, जब उन शक्तियों को दुरुपयोग किया जाता है तो जहां शेर है वहां सवा शेर भी होता है, ये सारी उसकी रचना होती है। इसलिए जे कात्यायनी देवी जो विशेष मैं आपको बता रहा था इसी की राजना जो है रावण ने की थी, और ब्रज की गोपी ने भी भगवान कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए इसकी आराधना की थी कात्यायनी देवी की ही, जिस हम मनोरथ को पूर्ण करने वाली ही। जब व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है उसका अभिमान करता है तो फिर विनाश का कारण ही बन जाती है। सच्चे दरबार की। सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन।